नमस्कार, न्यूज 20 इंडिया के साथ प्रेरणा उपाध्याय। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। इन दिनों पूरे राजस्थान में ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन का दौर रफ्तार पकड़ रहा है। इसी की एक बानगी राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने बाड़मेर जिले के गांव गिराब में दलित समाज के शमशान घाट पर हुई अजीबोगरीब घटना के विरोध में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते हुए अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष शांतिलाल बुनकर ने बताया कि बाड़मेर जिले के सीमांत गांव गिराब में बारिश न होने के कारण शमशान घाट में शव स्थल पर लाठियों से वार करने के टोटके का एक वीडियो वायरल हुआ है, जो कि दलित समाज के लिए सुरक्षा का परिचायक है। अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में दलित समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है। दिनों दिन दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। बाड़मेर में दलितों के साथ शमशान पर जो घटना घटित हुई, उनके आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने चेतावनी दी है कि प्रशासन इन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं बताया कि पूर्व में भी झालावाड़ में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। दलितों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। वर्तमान सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है। ज्ञापन देते समय जगदीश गायरी, छगनलाल बुनकर, अशोक यादव, कांतिलाल यादव, दीप सिंह वसुनिया, राजेंद्र गर्ग आदि उपस्थित रहे। आए थे, उनको भी ज्ञापन दिया, क्लब साहब को भी दिया, अभी कैलाश मेघवाल जी किया है, उनको दिया। 2017-18 में 6 लाख रुपया सेंक्शन हुआ क्लेट साहब के मना करने पे। वो जवाहर नवोदय विद्यालय आज तक माई विस्थापित 6 से 7 बार शमशान घाट हटा चुके और आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दलित की यह समस्या है, दलित का कोई सुनता नहीं। मेरी यही रहा, कांतिलाल यादव, पंचायत समिति पूर्व सदस्य। कब से मांग करते करते आज 4 से 5 बार एप्लीकेशन दे के थक गए, लेकिन दलित की कोई सुनता नहीं है। आज अगर दूसरी कास्ट होगा तो बन जाता। गिराब करके गांव है, वहाँ पर दलित शमशान घाट है। वहाँ पर कुछ लड़कों द्वारा शमशान घाट के ऊपर भी पथराव किया, लाठी भारी जूते फेंके, इस प्रकार के अकृत्य घटना घटाई। उसके विरोध में हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं। इसके पूर्व में भी 2-4 घटना ऐसी हो गई। एक झालावाड़ के अंदर भी एक दलित की हत्या हो गई, उसका भी आज दिन तक कोई ठिकाना नहीं पड़ा। उसके पूर्व भिलवाड़ा की सांसद रंजिता मैडम के ऊपर भी प्राणघातक हमला किया लाठियों सरियों से। इस प्रकार इस शासनकाल के अंदर कांग्रेस के शासन में दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम उसके विरोध में ज्ञापन देके राज्यपाल महोदय को, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहते हैं। हमारे साथ में शांतिलाल बुनकर, भारतीय जनता पार्टी SC महोदय जिला अध्यक्ष।